हाय, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगली जो नेक्स्ट चीज़ है, कोई नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, क्या होने जा रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, कि जो अब के बाद होने वाला है. ओके, तो इसमें इंक्लूडेड है कि सारे एक्सपीरियंसेस के जो आप करने वाले हैं, कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन से शिफ्ट आने वाले हैं. ओके, और उसी के साथ साथ कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, राइट? बिकॉज एज यू नो, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं, आपको पता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं. तो एक्सपीरियंसेस है, शिफ्ट्स है, आपके कुछ गिफ्ट्स अगर मिलने वाले हैं तो वो है, उसके साथ साथ चैलेंजेस भी जो मिलने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. अब यूजुअली मेरे जो वीडियोस होते हैं, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो देखना पसंद करते हैं, और जो अपने चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं, जिसको अपनी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष वगैरह, ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हमेशा सोचते रहते हैं, ऐसे लोग ये चैनल के वीडियोज़ देखते हैं. और इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी सवाल लोग पूछते हैं. बिकॉज ये लोग शायद मेरे ईमेल के ऊपर आते हैं ये मेल्स, कुछ लोग मुझे इंस्टा या फेसबुक के ऊपर पूछते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई आई नो कि ऐसे भी सवाल होते हैं. तो अब यहाँ पर आपको जो बताया जाने वाला है आपको उसकी बात करूँ. सी, अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो चार ऑप्शंस में आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ओके, ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है बाद में बताती हूँ. पहले आपको ये समझ लेना है कि जब भी आप ऑप्शन, जैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आपको उस ऑप्शन के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है, वो सब कुछ बताया जाएगा. देर आर चांसेस कि जस्ट बिकॉज ये वीडियो जो है ये पब्लिक वीडियो है, राइट? बिकॉज ये आप ओपनली मेरी चैनल पर देख रहे हैं, तो आपसे भी ज़्यादा, एक व्यक्ति से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखने वाले हैं. और इसीलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये वीडियो में 100% जो बातें हैं वो आपके साथ मैच होंगी. ओके, कुछ ना कुछ बातें होंगी कि जो आपके साथ मैच नहीं हो सकती है, कुछ बातें आपके साथ मैच करेंगी. तो आपको क्या करना है, जो आपसे मैच करता है, जो आपके साथ रेजोनेट होता है, वो बात आपको रखनी है, और बाकी आपको लेट गो करना है. ठीक है? सो यस, जो भी आपके साथ मैच होता है आपको वो सब कुछ ध्यान में लेना है, आपको वो सब समझना है कि वो आपके लिए बताया जा रहा है, एंड रेस्ट ऑफ इट यू कैन जस्ट लेट गो. ठीक है? बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस है. ऑप्शन बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और बहुत ही जरूरी इसीलिए है बिकॉज जितना परफेक्टली, जितना सटीकता से आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको परफेक्ट आंसर मिलने वाला है टैरो कार्ड्स में से. ठीक है? तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लो, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑप्शंस है. ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ये द्वारका शीला. ओके, इसे द्वारका शीला कहा जाता है. द्वारका, यस, गुजरात में जो सिटी है वहां पर उसकी जो नदी है वहां पर ये द्वारका शीला पाई जाती है. ओके, सो यस, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. और उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ये स्पाइरल. ओके, यस, इसको कहते हैं एमोलाइट का क्रिस्टल. अब एमोलाइट क्रिस्टल क्या होता है कि एक जीव होता है नॉटिलस, के जो उसके शंख के अंदर होता है, कि जो इसके अंदर इस तरह की पैटर्न बनती है, वो जब बहुत सालों तक, हजारों सालों तक जब वो फॉसिलाइज्ड हो जाता है, तो उस शेल को आप जब कट करके देखते हैं, तो इसके अंदर आप कुछ ऐसी ही कुछ ऐसी आप पैटर्न देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द एमोलाइट क्रिस्टल. इट इज अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल. ठीक है? सो यस, तो ये एक चीज है. उसके बाद हमारे पास है ये, देन वी हैव दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का पिरामिड है. ठीक है? आप देख सकते हैं छोटा सा पिरामिड है. ओके, इट इज अ वेरी स्मॉल लिटिल पिरामिड. यस, नीचे से स्क्वायर होता है और उसकी सारे कोने जो होते हैं वो ट्राइंगुलर होते हैं. लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ये कैल्साइट का टावर है. ओके, कैल्साइट करके एक क्रिस्टल होता है, बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल होता है क्राउन चक्र के लिए. तो ये जो क्रिस्टल है आप देख सकते हैं, ये काट कर ऐसा नहीं बनाया गया है. ओके, ये नेचुरली, नेचुरली जब आप अर्थ के अंदर जो चट्टाने हैं उसको आप खोदोगे, तो उसके अंदर नेचुरली ऐसे क्रिस्टल्स मिलेंगे. ठीक है? थोड़ा बहुत पॉलिश्ड हो सकता है, लेकिन नेचुरली इसको कट नहीं किया गया है, तो ये नेचुरली ऐसे ही मिलता है. ठीक है?
तो यस, हमारे पास यहाँ पर ये चार ऑप्शंस है। सी, अब ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना है बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ओके, बिकॉज यस ऑप्शंस सिलेक्शन के ऊपर यू नो इस पूरे वीडियो का एक्यूरेसी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शंस है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये चार ऑप्शंस में से आपको यू नो कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, यू नो अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाली हूँ, ठीक है, एक क्लिप दिखाने वाली हूँ कि जो कुछ ही सेकेंड के लिए दिखेगा कि जिसमें ये चारों ऑप्शन का एक फोटोग्राफ होगा। आपको क्या करना है, जैसे ही वो क्लिप दिखता है आपको ये वीडियो को पॉज बटन, वीडियो का पॉज बटन क्लिक कर देना है, वीडियो को पॉज कर देना है, ओके। एक बार ये वीडियो पॉज हो जाए उसके बाद आपको इस सारे के सारे ऑप्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान से देखना है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको त्राटक करना है, राइट। त्राटक में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, पलके भी नहीं झपकाते हैं, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है वगैरह, वो सब नहीं करना है। आप आंखें पलके झपका सकते हैं, पलके झपकाकर हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इतना ध्यान से देखना है कि आपको मतलब मुंह जबानी हो जाना चाहिए कि ये ऑप्शन कैसा दिखता है, ओके। सो इतनी अच्छी तरह से आपको सारे के सारे ऑप्शंस को देखना है और फिर यू नो आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और देखना है कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है, ओके। थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, मेडिटेट करो और देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है। वो चार में से जो ऑप्शन है उसके चार में से जो भी ऑप्शन आपका ध्यान खींचता है, यू नो इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन का एक एक वीडियो है, तो उस ऑप्शन का आपको टाइम स्टैम्प के हिसाब से अपना वीडियो देखना है, ठीक है। आई जस्ट होप दैट यू गॉट इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सारे के सारे ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, अगर आपने द्वारका शीला का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ऐसे कौन सी स्पिरिचुअल जर्नी में यू नो क्या एक्सपीरियंस होने जा रहा है, कौन कौन से बदलाव आप देखने वाले हैं, कैसे शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सी, जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है, अगर आपको कुछ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगता है, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा डीप में आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यू नो बहुत ही आसानी से यू नो अपना एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करवा सकते हैं, ओके। बिकॉज यस, अगर आप सच में सीरियस है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो आप यू नो मतलब यस, भले इस वीडियो में आपको सही वाले आंसर्स मिलने वाले हैं, लेकिन आपको अपने लिए स्पेसिफिक आंसर्स अवश्य चाहिए होंगे, तो डेफिनेटली यू नो आप मेरे पास आ सकते हैं पर्सनलाइज रीडिंग करवाने, ओके, ठीक है। सबसे पहले अब वो सब बात साइड पे छोड़ो, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके साथ कौन सा एक्सपीरियंस लाइफ में अब होने जा रहा है, ओके। तो सबसे पहले आपको जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो है सी, अब आप डोंट फील बैड, यू नो जो मैं बताने वाली हूँ, ज्यादातर जब भी कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं यू नो, तो उनको मतलब एकदम से यू नो अपने अंदर का जो अपनी जो आत्मा है यू नो, गॉड ने आपकी आत्मा बनाई है, और इसीलिए आपकी आत्मा की जो डिविनिटी है बहुत ही शुरुआत में आपको फील होना शुरू हो जाएगी। यस, जैसे ही कोई व्यक्ति मेडिटेशन के मार्ग पर चलता है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलता है, उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी रियलाइज होना शुरू हो जाती है, और इसीलिए उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है वो बहुत ही पावरफुल है। चांसेस है आप अब तक अपने आप को बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज्यादा डिवाइन पावर वाला आप मानते थे, लेकिन अब के बाद आपको जो एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं कि जिस पर से आपको लगेगा कि भाई आप तो बिल्कुल छोटे से कीड़े की तरह थे, और जो एक्सपीरियंस होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा यू नो विशाल लेवल के होने वाले हैं, ओके। सो यस, दिस इज द वन थिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड। दूसरा जो यू नो यहाँ पर इस कार्ड में से मैसेज आ रहा है वो है कि यू नो कि आपको आप अपनी जर्नी में यू नो बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है, और आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़कर यू नो कुछ अच्छा सा सिखाए, कोई व्यक्ति कुछ अच्छा सा सिखाए, कुछ बहुत ही अच्छा विजडम वाला मार्ग बताए, विजडम वाली इन्फॉर्मेशन आपको दे, ऐसा ज्ञान आपको देते रहे, ऐसे कोई व्यक्ति आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। यस, सी स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है कि जो विजडम आपके साथ शेयर करे, दिस इज रियली प्राइसलेस, बिकॉज यू नो स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोग यू नो मतलब लेक्चर
लेक्चर देते रहते हैं, दो तीन वीडियोस देखकर यू नो वो भी शुरू हो जाते हैं. ओके, बट नॉट एग्जैक्टली दिस पर्सन. यू नो ये जो व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं वो एक्सपीरियंस करके आपको एडवाइस देने वाले हैं. ओके, तो यस ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाले हैं. और यस द नेक्स्ट कार्ड इज दिस. ये कार्ड में से जो मैसेज आ रहा है वो है कि आपको अपनी लाइफ में जो लाइक माइंडेड वाला जो फ्रेंड है, आपके ही जैसी सोच रखने वाला कोई फ्रेंड है, वो मिलने वाले हैं जल्दी ही. पहला मैसेज है कि जो यहाँ से आ रहा है. दूसरी बात जो यहाँ से आ रही है वो है कि यस वो ये भी है कि आपको ऐसे ही लोगों के साथ यू नो फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि जिसके साथ आपका माइंड मैच करता है. यू नो स्पेशली स्पिरिचुअल पाथ पर अगर आप है तो यू नो इट इज मतलब काफी ज्यादा अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी टॉपिक्स के ऊपर बातें, बिल्कुल बिल्कुल शैलो लेवल का जो गॉसिप है, जो अगर अगर वो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और आप ऐसे ही लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसे ही लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे. यू नो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू. आप यू नो अपने समय की भी वैल्यू होती है, आपका आपकी आप जो वचन बोलते हैं, आप जो बोलते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. और अगर कोई व्यक्ति यू नो ऐसी बेतुकी सी बातें बस करते रहते हैं विदाउट एनी रीजन, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है. दूसरा हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है वो है ये है. ये कार्ड में से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो है, पहला मैसेज तो ये है कि यस आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ने वाला है. सी जब यू नो आपकी लाइफ में आप इतना ज्यादा यू नो क्राइसिस के लेवल पर होते हैं, हर लाइफ के हर एक एरिया में प्रॉब्लम, यू नो शायद हेल्थ में अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दूसरों की हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स देख देख कर यू नो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं और इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, इसीलिए मेडिटेशन करना शुरू किया है. वो वजह हो सकती है कि आप मेडिटेशन करना क्यों आपने शुरू किया. दूसरी वजह हो सकती है कि काफी ज्यादा लाइफ में आपको कुछ मिसिंग लगता है. यू नो हर एक एरिया में कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है. सी इंसान स्पिरिचुअलिटी में तब नहीं जाते हैं जब उनकी लाइफ में उनके पास सब कुछ होता है. ओके, नो दे डोंट गो इनटू स्पिरिचुअलिटी व्हेन दे हैव एवरीथिंग. कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में तब जाता है कि जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है. सारे रास्ते उसने अपना लिए हैं, सारे उसने तरीके अपना लिए लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है और अब फाइनली वो स्पिरिचुअलिटी में जाकर आप स्पिरिचुअलिटी में आकर आपने सोचा होगा चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं, असर कर गया तो क्या बात है. ठीक है, सो यस सो दैट इज ऑल्सो द थिंग. और जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ, आई डोंट नो आपने मेरे वीडियोज पहले कितने देखे हैं, बट आई ऑलवेज से वन थिंग कि यू नो स्पिरिचुअलिटी में यू नो मेडिटेशन आप करते हैं उसमें लाख दुखों की एक दवा. दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो मेडिटेशन सॉल्व नहीं कर सकता है. ओके, और इसीलिए यस अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, यू नो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल आप प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं, आप यू नो गुरु का कहना शुरू करते हैं, ये करके धीरे धीरे आपकी लाइफ में से यू नो ब्लॉकेजेस, एनर्जी के जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं आपके बॉडी में. यस आपके बॉडी में मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, फिजिकल ब्लॉकेजेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनर्जी ब्लॉकेजेस. और ये जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है, यू नो जितना आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ये एनर्जी ब्लॉकेजेस आपका मार्ग रोकेंगे. और इसीलिए जितने ज्यादा ब्लॉकेजेस है उतना ज्यादा आपको अपने आप के ऊपर काम करने की आवश्यकता है. तो यस सो दिस कार्ड सेज के यू नो आपके धीरे धीरे ब्लॉकेजेस जैसे ही हटना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेवल पर अबंडेंस आएगा. अबंडेंस मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे आएंगे. यू नो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ अबंडेंस मतलब लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे. इट वुड बी अमेजिंग राइट, अगर किसी के भी ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो गए और ऐसे ही लाखों रुपए करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाते हैं तो दैट वुड डेफिनेटली बी अमेजिंग. बट दिस अबंडेंस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी कि सिर्फ पैसे ही. ओके, यस पैसे भी हो सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, यू नो इमोशंस, शायद प्रेम वाला कोई ऐसा इमोशन है कि जो आपने कभी महसूस नहीं किया. आप बहुत साल से तरस रहे थे कि आप प्रेम महसूस करें और एकदम से यू नो लोग आपके ऊपर प्रेम बरसाना शुरू कर सकते हैं आपके साथ. यू नो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है कि जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करना शुरू कर ले. ओके, सो यस तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि अबंडेंस आपकी लाइफ में कुछ उस तरह से बढ़ सकता है. उसके बाद देखते हैं यू नो यहाँ पे ये दो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं. सबसे पहले यहाँ पर जो ये कार्ड बताता है, दिस कार्ड इज सेइंग के पहला
पहला तो ये बैलेंस का कार्ड है, जिस टेड्यू के ये बैलेंस का कार्ड है, इट इज अबाउट द बैलेंसिंग द स्केल्स। अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ गलत कर्म किए हैं तो गलत कर्म भुगतने का समय आएगा। लेट्स से कि आपको नहीं पता है कि आपने कौन सा गलत कर्म किया है, अगर पिछले जन्म में कोई गलत कर्म किया था उसका भी आपको भरपाई करने के लिए समय आ रहा है। या जब वीडियो शुरू होता है तब सबको अच्छी अच्छी बातें ही सुननी है, नहीं नहीं कौन से पावर्स मिलेंगे, कैसे कैसे बेहतरीन एक्सपीरियंसेस होंगे वो जानना है। भाई अच्छी अच्छी बातें तो बताई मैंने, राइट। यहाँ पे अब थोड़ा सा चैलेंज के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ। सो यस, कोई आपका पास्ट लाइफ का कर्म है कि जो ओपन होने जा रहा है। यस सी, जैसे जैसे ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं अच्छी चीजें भी होंगी, और कुछ कर्म है कि जो भी उसको भी क्लियर होना जरूरी है। कर्म कैसे क्लियर होगा? भुगत के क्लियर होगा। हो सकता है कुछ महीने आपके लिए भुगतना पड़ सकता है, बट यस वो भुगतना अनिवार्य है, आप उससे भाग नहीं पाएंगे। ओके और यस, तो कर्म भुगतने का समय आ रहा है, बैलेंस लाने का समय आ रहा है। देर आर चांसेस के बैलेंस लाने का मतलब ये भी है कि आपको खुद को मेहनत करके वो बैलेंस लाना है, अपने आप वो बैलेंस नहीं आएगा। ओके ये जो कार्ड है ये बताता है, ये दो बातें बता रहा है। सबसे पहले है कि अगर आप वेजिटेरियन व्यक्ति है तो देर आर चांसेस के आपकी लाइफ में ऐसा शिफ्ट आ सकता है कि आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट अपनाना पड़ जाए, तो किसी का एडवाइस आपको मिले, आपको डॉक्टर बता दे कि भाई नॉन वेज तो अब तो खाना ही पड़ेगा। ओके ये चांसेस हो सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है देन देर आर चांसेस कि आपको वेजिटेरियन बनना पड़ जाए। ओके सी, अब आपको ये वीडियो में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा बहुत चिढ़ जाए, ये आपको बात बता रही है उससे। आई वुड लाइक टू टेल यू आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल पाथ जो आपका है, आपके सारे जो ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि जो आपको एक ईगोइस्टिक लेवल पर लाकर रखते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन होना है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन होना है, कुछ भी आपने बिलीफ सिस्टम बनाकर रखा है, आपका स्पिरिचुअल पाथ आपका वो बिलीफ सिस्टम तोड़ना चाहेगा। ओके यस, मोह माया, आप अगर कोई मोह माया है कि जिसको एक्सेप्ट करने से आप अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझते हैं जस्ट बिकॉज आप बचपन से वेजिटेरियन रहे हैं। ओके आपने दूसरों जानवरों पर किसी तरह का आपने आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको क्रूअल बनना है जानवरों की तरफ। ओके लेकिन अगर आपने बचपन से पहले से आप ऐसे रहे हैं कि आपने बहुत ही साफ बहुत ही स्वच्छ हृदय के रहे हैं और ये आपका ईगो है, तो आपका ईगो किसी भी तरह से टूट के रहेगा। ओके अब यस, वन मोर वर्ड ऑफ कॉशन। अब ये वीडियो के द्वारा मैं किसी को भी ऐसा नहीं बताना चाहती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको नॉन वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। ओके बिकॉज अगर कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो उनका सबसे पहला फोकस तो शायद यही होता है कि उनको वेजिटेरियन रहना है। ओके सो आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, बस ये एक मैसेज आया है तो मेरे लिए बताना आवश्यक है। यहाँ पे हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल बातें आ रही है। ओके दो बहुत ही पावरफुल बातें आ रही है। सबसे पहली यहाँ पर कि आपको एक गुरु मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में। आपके आपके जो स्पिरिचुअल गुरु है, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो आपको मिलने वाले हैं, तो वो एक बात है। दूसरी बात है आपको आपका जो स्पीकिंग पावर है, आपका जो विशुद्धि चक्र का जो पावर है, सी कम्युनिकेशन मास्टरी, आपकी एक सिद्धि होती है स्पिरिचुअलिटी में जिसे कहते हैं वाक सिद्धि। आप जो बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति आपसे कन्विंस हो जाता है। ओके सो दैट इज अ लेवल ऑफ वाक सिद्धि कि जो आपको पावर मिल सकता है, जो पहला मैसेज है ये कार्ड के द्वारा मिल रहा है वो। दूसरी वो बात है कि आपका ऐसा पावर आपको मिल सकता है कि जितना आप मौन रहते हैं उतना आपकी लाइफ में समृद्धि ज्यादा आती है, आपकी लाइफ में और ज्यादा सुख शांतियां ज्यादा आ सकती है। ओके अब दिस कैन बी अ वेरी ट्रिकी थिंग अगर आपको बहुत ज्यादा बातचीत करने की आदत है तो, और आप शायद चिढ़ भी सकते हैं कि भाई ऐसा कैसा पावर, लेकिन यस ये पावर तभी आपका एक्टिवेट होगा जब आप जितना ज्यादा आप मौन रहना सीखते हैं उतना ज्यादा ये पावर आपका एक्टिवेट होगा। ओके तो ये दूसरा हो गया। और तीसरी बात यह है कि आपकी लाइफ में अब के बाद, ये तीसरा मैसेज जो यहाँ से आ रहा है वो है आपको कम्युनिकेशन में मास्टरी लाना सीखना है। सी स्पिरिचुअल पाथ जब भी उसके ऊपर जब लोग चलना शुरू करते हैं जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, कुछ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं, तो सबको लगता है कि पावर्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
यू नो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं मिलेगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कम्युनिकेशन मास्टरी के बारे में जब बताया जा रहा है, आपको पहले खुद प्रयास करना है कम्युनिकेशन पे मास्टरी पाना। तो यू नो कम्युनिकेशन की क्लासेस आप ले सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले सकते हैं, स्पीच प्रैक्टिस टोनालिटी की क्लासेस आप ले सकते हैं, जिसके बाद आपको यस आपका जो कम्युनिकेशन का जो पावर है वो डेवलप होगा। अगला आपकी लाइफ में जो होने जा रहा है, यू नो ऐसा कुछ था कि जो आप बहुत समय से मान रहे थे कि जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होने वाला है, वो पॉसिबल होने वाला है। या दूसरी चीज, दूसरी बात, दूसरा जो मैसेज है वो है ये कि आपको खुद को मेहनत करनी पड़ सकती है उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। ओके और हमारे पास यहाँ पर आखिरी जो दो मैसेजेस आ रहे हैं वो दो, ये दो कार्ड से, ये कार्ड बता रहा है कि आपको यस किसी तरह की जर्नी, किसी तरह का वेकेशन आप ले सकते हैं। पहली बात, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये है कि आप यू नो किसी जगह पर आप स्पिरिचुअल प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। ओके तीसरी बात ये, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए आप शायद यू नो अपना रेजिडेंस चेंज करने का आप प्लान कर सकते हैं। ओके यस, अब ये तीन मैसेजेस हैं, इसमें से तीन में से आपके लिए कौन सा अप्लाई होता है आप जानो। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि यस यू नो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें। ओके आपकी हेल्थ का ख्याल रखें। ज्यादातर जितने भी लोग मेडिटेशन में करना आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में मोक्ष के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपने शरीर का इतना ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए। भाई मोक्ष जो है ये शरीर में रहकर आप जब स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिसेस करोगे, मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस करोगे, अपने कर्म स्वच्छ रखोगे, तब आपका मोक्ष का रास्ता साफ होगा। तो इसीलिए ये जो शरीर है उसको आप अगर परेशान करते रहते हैं, खाना अच्छे से नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं देते हैं, शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो लाइफस्टाइल देने की जरूरत है अगर वो सब नहीं देते हैं, तो यार मोक्ष तो साइड पे छोड़ो, आपके हेल्थ के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ओके तो हेल्थ के प्रॉब्लम ना शुरू हो इसीलिए आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हेल्थ और फिटनेस का कैसे ख्याल रखेंगे? यस हेल्दी खाना खाकर, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। ओके तो जी हाँ, तो ये थी ये सारी बातें। या तो ये सब कुछ आ रहा है आपके लिए कि कौन सा चेंजेस आपकी स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल पाथ की वजह से आपकी लाइफ में अगला चेंजेस कौन से आने वाले हैं। यस सो आई होप के यस सब कुछ यस यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में यू नो कॉमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो की कौन कौन सी बातें आपके साथ या आपके साथ मैच करी है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। और या दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यू नो जितना हो सके उतना लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यू नो जब आप अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में भी यू नो ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। और अगर आप यू नो पर्सनलाइज रीडिंग यस स्पिरिचुअलिटी में अब के बाद आगे आपको बिल्कुल परफेक्ट स्टेप्स चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अगर बिल्कुल परफेक्ट स्टेप्स आपको चाहिए, इस वीडियो के नीचे आपके लिए एक लिंक मैं छोड़ के रखूंगी कि जिस पर जाकर आप मेरे साथ यू नो टैरो पर्सनल वन ऑन वन यू नो कॉल के ऊपर फोन के द्वारा हम आप मेरे पास टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। कुछ उस लेवल तक आप यू नो टैरो मेरे साथ टैरो का सेशन मेरे साथ सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे वो लिंक है कि जहां पर आप मेरे साथ टैरो के लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये एमोलाइट का क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, ये एमोलाइट स्टोन आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए आध्यात्मिक जर्नी में कौन कौन से एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं अब के बाद, कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से शिफ्ट्स आने वाले हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं, और अगर कोई सॉल्यूशंस आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं तो वो सब कुछ आपके साथ मैं यहाँ पर बांटने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर ये दो कार्ड्स देखते हैं। सी ये दो कार्ड्स जो है
ये वाला कार्ड बताता है शेयरिंग और ये कार्ड बताता है कॉम्प्रोमाइज। इसका मीनिंग क्या है? सी यू नो लाइफ में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे यू नो बचपन से आप यू नो जिस माहौल में बड़े हुए हैं उस माहौल में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए बताया गया। यस, आपके माँ बाप कुछ आपको सिखाया है, आपको आपके टीचर्स ने कुछ सिखाया है, आपके बड़ों ने कुछ सिखाया है, और जो सारी सीख आपने अपने घर में नहीं ली है वो आपको आपके स्कूल में आपके कॉलेज में मिली है। जो सब जगह पर जाकर भी आप नहीं सीखे हैं वो आप आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर जब चलना शुरू करते हैं तब आपको वो सारी सीख मिलना शुरू होती है। तो वो सीख क्या है? सी देयर आर चांसेस कि आपने शेयर करना नहीं सीखा है, लोगों के साथ बांटना नहीं सीखा है। ओके, तो ये पहली बात है कि अगर आपने बांटना नहीं सीखा है तो लोगों के साथ बांटना आप शुरू करें, वो आपके लिए यहाँ पर एक सीख है कि जो आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके अंदर यस यू नो कुछ लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही खुजली होती है शेयर करने की, इतना ज्यादा शेयर करते हैं कि खुद के लिए खुद की फैमिली के लिए नहीं बचता है, तो अगर इतना ज्यादा शेयर करने की आपके अंदर खुजली है तो उस खुजली के ऊपर आपको यू नो कंट्रोल करना पड़ जाए, आपको खुद के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ जाए शेयरिंग के लिए, ये भी आपके लिए एक लेसन हो सकता है कि जो आ रहा है। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास है जो मैसेज आ रहा है वो है कॉम्प्रोमाइज का। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या आपके घर में लोग हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं कि जिनके साथ आपकी पट्टी नहीं, आपको लगता है कि इनके साथ आपका 36 का आंकड़ा है। ओके, आपके घर के आसपास कोई ऐसे लोग हैं कि जो रह रहे हैं, कोई है कि यू नो देयर इज समबडी और दी अदर कि जिसके साथ आपका यस यू आर एट क्रॉसेस, आपका बिल्कुल मतलब उनके साथ पट्टी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि ये आपके गले ही पड़ चुके हैं, यू नो आपको इनसे कोई छुटकारा नहीं है, तो उस व्यक्ति के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, कुछ लोग होते हैं कि जो कभी नहीं सुधरते, लड़ते रहेंगे, जितनी बार उस व्यक्ति को मिलते हैं लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई कॉमन सेंस इस्तेमाल करो कि इस व्यक्ति का चेहरा हर रोज देखना है और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो भाई शांति से मिलो, ना आप उसको परेशान करो ना वो आपको परेशान करे, अच्छे से कॉम्प्रोमाइज करके रहो, बिकॉज और कोई छुटकारा नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। ओके, सी ऐसा अगर आपके साथ होता है, यू नो ऐसा आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति है, तो यूनिवर्स बहुत ही बड़ी सीख आपको देना चाहता है। यू नो टॉलरेंस, इंसान के अंदर टॉलरेंस लेवल जितना ज्यादा होता है यस, उतना ही ज्यादा यू नो आपका स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ता है, बिकॉज स्पिरिचुअल जो एनर्जीज है, स्पिरिचुअल जो पावर्स है, वो ये सबके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक बेहतर इंसान है वो पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आपका आध्यात्मिक जो मार्ग है वो आपके लिए कुछ ऐसी बाधाएं खड़ी करेगा। ओके, तो ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। सो यस, सो दैट इज द ये है कि जो आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ ये कार्ड देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास यस देयर आर चांसेस कि आपको अपनी लाइफ में कोई गुरु मिल सकता है, परमानेंट गुरु या टेम्पररी गुरु हो सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन ऐसे कोई गुरु मिल सकते हैं। सेकंड थिंग, ये आपके आपको यू नो आपका जितना भी पावर ज्यादा है आपको अपने गुरु के सामने झुकना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर आप सालों से अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानते हैं, आप यू नो आध्यात्मिक लेवल पर काफी आई डोंट नो वेदर आप काफी ज्यादा समय से है कि नहीं, ये कार्ड्स को देखकर तो लग रहा है इतने ज्यादा समय से आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं है, बिकॉज बिल्कुल बेसिक लेवल की कुछ सीख है कि जो आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, इट कुड बी लाइक 2 to 3 years, आप यू नो 2 से 4 साल से आप यू नो आध्यात्मिक मार्ग पर है, बट उससे ज्यादा नहीं, यू नो यस उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं, लेकिन 2-3 साल यू नो उसमें यू नो उतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंटली अपने पाथ पर आगे बढ़ते रहते हैं उतना ज्यादा आपका पावर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कोई गुरु मिलेंगे। ओके, गुरु मिलेंगे टेम्पररी या परमानेंट गुरु आपको मिलते हैं, गुरु के सामने आपको झुकना है। दूसरी बात, अगर आप यू नो ऐसा समझते हैं कि आपके ही गुरु सबसे बड़े हैं, यू नो ये भी एक थोड़ा सा मैंने ईगोइस्टिक एक जंग जैसी मैंने देखी है कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग आध्यात्मिक पाथ पर चल रहे स्टूडेंट्स के पीछे मैंने देखा है, यू नो लोग लड़ते हैं इसके गुरु मतलब तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं है, मेरे गुरु ज्यादा पावरफुल है, या मेरे गुरु ज्यादा मतलब ये सब ऐसी लड़ाई लोग लड़ते रहते हैं। भाई गुरु की मतलब गुरु के पावर के हिसाब से लड़ेंगे। पहले लोग क्या लड़ते थे, आपकी कंट्री से ज्यादा मेरी कंट्री बेहतर है, आपके गॉड से ज्यादा मेरे गॉड पावरफुल, राइट, लोग रिलीजन में ऐसा लड़ते थे, लोग अलग अलग बातों पे लड़ते थे, अब लोग गुरु की बात पर लड़ते हैं कि भाई आपका गुरु पावरफुल नहीं है मेरा गुरु पावरफुल है।
ओके और जस्ट इमेजिन अगर किसी व्यक्ति का गुरु नहीं है तो वह कैसा फील करेंगे अगर आप ऐसे बातों पर लड़ते हैं तो. सो यस सी ये सब लड़ने वाली बात बिल्कुल ही साइड पर आपको रखनी है. यू नो दैट डज नॉट मैटर. आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं दैट एक्चुअली उसका मीनिंग ये है कि आप यू नो यस हर एक तरह के भेदभाव से आप ऊपर उठना चाहते हैं. गुरु में भी यू नो अगर आप चाहे तो यू नो आप किसी दूसरे व्यक्ति के गुरु में अगर आपको लगता है कि उनके पास भी अच्छा नॉलेज है तो आप उनके सामने भी झुक सकते हैं. दूसरा मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है, आपके गुरु अगर आपको लगता था कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, आप अपने गुरु को किसी के सामने झुकता हुआ देखेंगे. ओके तो या ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. यू नो कई बार लोग गुरु पे से विश्वास लोगों का उठ जाता है जब वो देखते हैं कि वो जिस गुरु को बहुत ही सुपर पावरफुल मानते हैं वो गुरु दूसरों के सामने झुक रहे हैं. ओके बट यस दैट इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ लर्निंग के जो आपको सीखना आवश्यक है. राइट अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर है तो या इवन आपके गुरु आध्यात्मिक मार्ग पर है. आध्यात्मिक मार्ग जब मोक्ष मिलता है तब खत्म होता है. राइट लेकिन आपके गुरु अगर इस दुनिया में है तो डेफिनेटली उनका भी वो भी एक मार्ग पर है. उनको भी मोक्ष नहीं मिला है अब तक. ठीक है ये जो कार्ड है ये बताता है मेडिटेशन आपके लिए बहुत आवश्यक है. यस जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. उतना आपके आपकी यस आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. बिकॉज आप जितना मेडिटेशन करेंगे मेडिटेशन में आपको बहुत ज्यादा पावर्स मिलने वाले हैं. लेकिन वो पावर्स कब मिलेंगे जब मेडिटेशन आप करेंगे. ओके ये है. उसके बाद हमारे पास है ये कार्ड ये म्यूजिक का कार्ड है. ओके यहाँ पर कुछ और भी है इसके साथ जो आ रहा है वो सी आपको आपका जो माइंड है यू नो यहाँ पर कुछ कार्ड्स में बताया गया है कि आपका माइंड कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर एक बार आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो एक मतलब आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चला जाएगा. ओके आई एम नॉट ब्लेमिंग यू. मैं आपके नुक्स नहीं निकाल रही हूँ. मैं आपकी खामी नहीं निकाल रही हूँ. बट आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि आपका कुछ माइंड ऐसा काम करता है. ठीक है काफी लोगों की सोच ऐसे हो जाती है. अगर लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से आप उभर कर आए हैं तो आपका माइंड कुछ ऐसा बन जाएगा कि यस यू नो एक बार आपका माइंड नेगेटिव सोचना शुरू करता है तो यू नो आप नेगेटिव सोचते ही जाएंगे. फिर आपको पता चलेगा भाई ये नेगेटिव सोच तो मतलब 3-4 दिन पहले शुरू की थी और मतलब पता भी नहीं चला इतने सारे दिन खत्म हो गए. ओके तो उस माइंडसेट के ऊपर कैसे आप कंट्रोल ला सकते हैं. आपको यू नो म्यूजिक से अपना माइंड शिफ्ट करना है. जब भी आपका माइंड आपको लगता है कि नेगेटिव हो जाता है बहुत ही विचलित हो गया है फ्रस्ट्रेट हो गया है तो आप यू नो म्यूजिक के द्वारा उस स्टेट को चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना शुरू कर दो. ठीक है आपका फेवरेट म्यूजिक मतलब वो नहीं होना चाहिए कि रोतलू गाने आप सुन लो. ओके रोतलू गाने सुनकर किसी का मूड ठीक नहीं होता. रोतलू गाने सुनकर सबको रोना ही आता है. तो जो मस्त वाले गाने होते हैं खुशी खुशी वाले गाने होते हैं वो गाने सुनने हैं. ओके ये है और ये जो गाना है यस यू नो आपका अगर माइंड नेगेटिव सोचना शुरू करे तो एक जो तुरंत जो स्विच होना चाहिए कि जिससे आपके माइंड में नेगेटिव से पॉजिटिव तुरंत वो स्विच होना चाहिए वो बहुत ही जल्दी हो वो बहुत आवश्यक है. तो ये जो आपका स्विच ओवर पार्ट है नेगेटिव में से पॉजिटिव स्विच ओवर करना इसके ऊपर मास्टरी आपको लाना है कि जो आपको अगले कुछ समय में करना पड़ेगा. यस मैंने जैसे कहा कुछ चैलेंजेस है कि जो आपकी लाइफ में आएंगे और उसमें से एक चैलेंज ये है कि जिसके ऊपर आपको मास्टरी पाना है. कैसे मास्टरी पाना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ओके और ये जो कार्ड्स है यस बी लविंग टूवर्ड्स योर सेल्फ टूवर्ड्स अदर्स जेल विद पीपल हु लव एंड केयर अबाउट यू. सी आध्यात्मिक मार्ग पर आपको एक बात बताऊं यू नो इतने ज्यादा लोग होते हैं कि जिनको लगता है प्रेम मतलब एक मोह माया है. ओके और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू किया मतलब इस मोह माया से छुटकारा पाना है. तो लोग मतलब जिसको प्रेम कर रहे थे उससे दूर भागते हैं. अपने सगे संबंधी जिनको वो प्रेम करते हैं उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर. भाई भाग कर जाओगे कहाँ. ओके
तो यस, अगर किसी के साथ आपका कुछ कार्मिक बॉन्डिंग पहले से मिला है तो आप उससे छुटकारा पाकर नहीं जा सकते, बिकॉज अगर आप छुटकारा पाकर चले गए जहां पर किसी को आपसे एक्सपेक्टेशन है, वहां पर वापस आपका कर्म बन जाएगा. ओके, तो अगर मोक्ष के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नो, सो दिस ऑल ऑफ दिस इज नॉट गुड, कि अगर जहां पर आपकी जिम्मेदारी है वहां से भागना, यस यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, तो ये है, आपको प्रेम अपने खुद के लिए भी, आपको खुद को भी प्रेम करना है, दूसरों को भी प्रेम करना है. दूसरी बात आपको बताऊं जो यहां से आ रही है, अगर आपको ये आदत है कि सबको प्रेम करना है, यू नो, दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, आपको सबको प्रेम करना है, भाई ये पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू लव ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ. और इसीलिए कुछ ऐसे लोग चुन लो कि जिनको आप प्रेम करना चाहते हो, जिनसे आप प्रेम से रहना चाहते हो, और उन्हीं लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करो. ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपको यू नो ऐसे लोग अवॉइड करना है, ऐसी जगह अवॉइड करनी है कि जिसका लोअर वाइब्रेशन है. यस, यू नो, गलत लोगों के साथ गलत जगह पर आपको जाना बंद करना है. इसमें ये भी हो कि यू नो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा यू नो बहुत ही ज्यादा यू नो लविंग इंसान है, कि जो हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन बनाना पसंद करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आपके साथ अच्छा रिलेशन बनाना पसंद नहीं करते हैं, उनको आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाना है, भाई तो उनके सामने जाकर यू नो अपने मतलब या मतलब बंद करो वो सब करना. जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनसे दूर रहो. ओके, और ये कार्ड यहाँ पर बताता है आपकी लाइफ में आगे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है. ओके, ये भी चांसेस है कि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक ये पॉजिटिविटी नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी खुद की पॉजिटिविटी के लिए आप मेहनत करेंगे तब आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी दिखना शुरू होगी. ओके, सी टैरो में ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कितने टाइम में पॉजिटिविटी आ जाएगी तो मतलब हाँ चलो 6 महीने में पॉजिटिविटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है टैरो में. कब यू नो टैरो में और ओरेकल कार्ड रीडिंग में जब जब आप एक्शन लेते हैं यू नो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा है. ओके, जैसे यहाँ पर बताया गया है गलत लोगों के साथ गलत जगह पर आपको मिक्स नहीं होना है, जहां जाने से आपका लो वाइब्रेशन हो जाता है, तो जब आप ये करना बंद करेंगे तब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी. ओके, उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है आपका यू नो फैमिली लाइफ सुधरने वाली है, आपके फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है वो सुधरने वाला है. और देयर आर चांसेस कि यू नो यस सी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि सब लोग बराबर नहीं होते, राइट, ऐसा हम उस तरह से बात करते हैं कि हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, पांचों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर एक उंगली का कद अलग होता है, उसकी थिकनेस अलग होती है, उसका काम अलग होता है, राइट. कुछ काम होता है कि यस पेन आप पकड़ते हैं तो इतनी ऐसी ही उंगलियों से पकड़ सकते हैं, कुछ काम हो सकता है यू नो कि आप अगर कुछ ऐसा अलग से आप पकड़ रहे हैं तो मतलब अलग अलग उंगलियों का अलग अलग काम है. ओके, और यू नो आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पांचों की पांचों उंगलियां सेम हो, पांचों की पांचों उंगलियां सेम तरह का काम करें. सो दैट सेम थिंग अप्लाइज टू फैमिली रिलेशनशिप्स आल्सो. घर के जो लोग हैं सारे के सारे सेम नहीं होते, सब अलग होते हैं. जिनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज आपको पसंद है तो उनकी बुरी क्वालिटीज को आपको लेट गो करना है. उसी तरह से वो आपके अंदर से भी कुछ अच्छी क्वालिटीज जो एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी आपकी कुछ बुरी क्वालिटीज लेट गो करते हैं, राइट. तभी चलकर तो हर बात पे वो आपसे झगड़ा नहीं करते हैं. हर बात पर अगर वो झगड़ा करते हैं तो आपको दोनों को सीखना है कि कैसे आप दोनों के फ्लॉज, कैसे आप दोनों के नेगेटिव क्वालिटीज जो है उसको लेट गो करके एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना. ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको वीडियो आपको मदद किया. और मुझे यू नो कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो ने कैसे आपकी मदद की, कौन कौन सी बातें हैं कि जो इस वीडियो में आपके साथ हुई है. ओके, वन मैसेज यहाँ पर एक बात रह गई है, तो यहाँ पर नंबर्स वाला कार्ड है. सबसे पहला यू नो कि आपके नंबर्स कुछ डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका यू नो मतलब आपका जो लाइफ है, आपकी जो एनर्जीज है वो इम्बैलेंस्ड हो सकती है. अगर आप यू नो अपना न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट निकलवाना चाहते हैं, यू नो दिस इज अ हैंड टाइप्ड रिपोर्ट. ओके, काफी ज्यादा ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं यू नो कि जो लोग 100 रुपए में देते हैं और वो कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ रिपोर्ट होता है. ओके, ये ऐसा रिपोर्ट नहीं होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी अ हैंड टाइप्ड रिपोर्ट, हाथों से टाइप करके बनाया हुआ रिपोर्ट है कि जिसको बनने में काफी समय लगता है. ओके, तो ये जो रिपोर्ट है, ऐसा रिपोर्ट यू नो आप मेरे से ले सकते हैं. सी इट इज बहुत ही ज्यादा यू नो इसको रीजनेबली चार्ज मैंने किया हुआ है, बिकॉज
यस यू नो मतलब इतने ज्यादा लोगों को इसकी जरूरत है एंड आई हैव जस्ट बिगन डूइंग दिस. यस न्यूमरोलॉजी में पहले भी करती थी लेकिन ये अलग तरह के रिपोर्ट में बना रही हूँ और अभी अभी मैंने शुरू किया है. तो बस बहुत ही कम थोड़े से यू नो थोड़े से एनर्जी एक्सचेंज के साथ यू नो मैं ये दे रही हूँ. तो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट कि आप इस रिपोर्ट को रिपोर्ट बनवाएं आपके लिए अगर आपको लगता है यस आपके नंबर्स डिस्टर्ब है. आई जस्ट फील एवरीबडी शुड गेट दिस रिपोर्ट डन बिकॉज आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ में यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कहाँ आपके नंबर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में आपके लिए कुछ हो रहा है, होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, एक्सेट्रा. ओके दूसरा आपको आपके जो नंबर्स है उसके हिसाब से आपको यू नो अपना शायद आपका नाम चेंज करवाना पड़ जाए, ऐसा भी कुछ पॉसिबल, ऐसा भी कुछ हो सकता है. यस जस्ट जो रिपोर्ट की मैंने बात की उसमें नाम चेंजिंग का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा. ओके जी हाँ. तो या तो ये है आपके लिए वीडियो. मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए यू नो कि ये वीडियो ने आपकी मदद कैसे की, मुझे कैसे ये वीडियो आपकी, इस वीडियो में से कौन कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करी है मुझे जरूर बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरों के साथ इस वीडियो को भरपूर शेयर कीजिए. यू नो अच्छी चीज अगर कुछ आपको मिलती है उसे अगर आप शेयर करते हैं तो यूनिवर्स आपको भी ब्लेसिंग्स देता है. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय. चलिए तो अगर आपने ये वाला वीडियो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है यू नो ये पिरामिड का ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में अब क्या होने वाला है, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आपको होने वाला है, कौन कौन से चैलेंजेस आपको मिलने वाला है, कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से शिफ्ट आपको मिलने वाले हैं. ठीक है तो जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं. अब सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड है, इसमें से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. सबसे पहला मैसेज है कि अलोननेस, लोनलीनेस. ओके तो आपको ऐसा बहुत ज्यादा समय मिलेगा कि जब आप अकेले रहेंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे. ओके ये है. दूसरी बात यह है कि यू नो ऐसे काफी ज्यादा यू नो ऐसा विजडम है, ऐसा नॉलेज है कि जो आपको मिलना शुरू होता है जब आप अकेले में होते हैं. यू नो ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि मतलब कभी भी अकेले नहीं बैठ सकते. यू नो जैसे ही अकेले सुनसान जगह पर जाते हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, घर में भी अगर अकेले बैठे हैं, कुछ यू नो आवाज नहीं आ रही है तो मतलब घबरा जाते हैं. यू नो खुद की सांसों की आवाज से भी घबरा जाएंगे. तो इनको हमेशा कुछ हमेशा बजते रहना चाहिए. तो कुछ लोग होते हैं यू नो मतलब टीवी शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं कि जो बजते रहना चाहिए. मोबाइल के ऊपर कुछ ना कुछ बजाना शुरू करेंगे, अगर कुछ नहीं है, लाइट वाइट नहीं है, खुद गाना शुरू कर देंगे. ओके सो दैट इज द रीजन के यू नो मतलब वो खुद की आवाज, खुद की हम कहते हैं ना खुद की प्रेजेंस नहीं सह सकते. लेकिन यस यहाँ पर आप जितना ज्यादा यू नो लोनलीनेस में आप समय बिताएंगे आपको बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स मिलेंगे. ओके लेकिन वो कब मिलेंगे, जब आप अकेले में समय बिताएंगे, जब माइंड को खाली होने देंगे. ओके तो ये है. उसके बाद दूसरा कार्ड है ये कार्ड बताता है कि आपका यू नो बचपन से आपका जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुआ है, जिस तरह से आपको बड़ा किया गया है, काफी ज्यादा यू नो अपना बिहेवियर आपने अपने आप को नियंत्रण, यस आपका बिहेवियर नियंत्रित किया गया है. आप कैसे बोलते हैं, कैसे आप लोगों के साथ बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो सब कुछ के ऊपर नियंत्रित किया गया है आप. यस आप पर उस तरह का उस लेवल का नियंत्रण आपके ऊपर पाया गया है, रखा गया है बचपन से. या ये हो सकता है आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़ों ने, आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ किया है. देयर आर फुल चांसेस आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर सब अपने बच्चों के साथ यही करते हैं. ओके तो ये होने से सी कभी कभी कुछ लेसन ऐसे होते हैं कि जब लोग सब साथ मिलकर सीखते हैं. ओके तो आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उससे आपके लिए हुआ क्या है, आपका आपका जो माइंड है, किस तरह के थॉट्स आपको सोचने चाहिए उसके ऊपर भी नियंत्रण रखा गया है. कुछ आप अगर किसी डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं, अरे ये तो बहुत ही बुरे ख्यालात है, ऐसे तो विचार आपको आने ही नहीं चाहिए. ओके तो बहुत ज्यादा आपके माइंड के ऊपर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है.
इमोशंस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, कैसे आप कर्म करते हैं। सी, कर्म के ऊपर डेफिनेटली आपका नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन वो नियंत्रण आपका होना चाहिए, आपकी मर्जी से होना चाहिए, आपके कुछ संस्कार ऐसे होने चाहिए कि जिससे आप सिर्फ अच्छे ही कर्म करो। वो नियंत्रण यू नो कोई आपके ऊपर चाबुक रखकर करता है तो वो यू नो उसमें वो जो रियल जो मजा है वो निकल जाएगा अच्छा कर्म करने का। ओके, बट यस, आपको वो लेवल का जो नियंत्रण है वो भले हट जाए, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बने रहना है अपने एथिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो सारा सप्रेस्ड जो आपके अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर से, उसकी वजह से इतना ज्यादा कंडीशनिंग हो गया है आपके साथ कि आप तो ये नहीं कर सकते, आप तो वो नहीं कर सकते। यस, जैसे कंडीशनिंग मतलब क्या, हाँ मतलब पैसा कभी पेड़ पे नहीं उगता है। अगर यू नो पैसे आप कहाँ से लाओगे, अगर पैसे आपके पास ज्यादा आ गए तो आप एक बुरे इंसान बन जाओगे। अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ गए तो यस यू नो तो आपको कुछ और करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा कंडीशनिंग होता है कि जो आपको बचपन से मिला है। सी, I'm not saying कि ये सारा कंडीशनिंग सही है, कुछ बातें गलत भी है, सबके लिए सभी बातें सही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ है कि जो यहाँ पर आपके साथ हुआ है कि जो आप खुद भी उसे झुठला नहीं सकते हैं, आपको खुद को पता है कि वो सब आपके साथ हो चुका है। ओके, तो ये जो कंडीशनिंग है आपको उससे अपने आप को छुटकारा दिलवाना है। सी, स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन आप करते हैं तो इट इज ब्यूटिफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके होते हैं कि जब यू नो ये सब कुछ रिलीज होना शुरू होता है। कब होता है शुरू? जैसे ही आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ये सब कुछ रिलीज होना शुरू हो जाएगा। भले कुछ झूठा मोटा, कुछ बेतुका सा आपको संस्कार में पाया। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आपके जो बड़े हैं उन्होंने बिल्कुल सेंसलेसली आपको संस्कार दिए, ये नहीं बता रही हूँ, बट यू नो उन्होंने क्या बताया और आपने क्या परसीव किया, आपने उसको कैसे समझा, उसमें भी फर्क हो सकता है। तो वही जो बेतुकी बातें हैं कि जो आप अपने मन में मन घड़ंत तरह से फंसा कर बैठे हैं, वो सारी बातों से यू नो आप अपने आप को यस मुक्त कर पाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। क्यों आपके भीतर का जो कंडीशनिंग है इतना ज्यादा, मतलब आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा फ्रीडम लोगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ उस लेवल का कंडीशनिंग है आपके अंदर। और उस कंडीशनिंग का बाहर निकलना, उस कंडीशनिंग का रिलीज होना बहुत आवश्यक है। आपका यू नो एक अच्छी बात आपको गिनवाओ, आपके अंदर इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा विल पावर आ जाएगा, इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा ये सबकी वजह से। ओके, यस, बट ये सारे ब्लॉकेजेस आपको निकालना जरूरी है। लेकिन एक बार ये सारे ब्लॉकेजेस निकल जाए उसके बाद यू नो आपके भीतर एक बहुत ही अच्छे लेवल का पावर आ जाएगा कि आपके आसपास बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े भले लोग आपके सामने गिर जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल बुलंद होकर अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये इतने लेवल का सेल्फ कंट्रोल, इतने लेवल का पावर आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो यस, तो ये है। उसके बाद हमारे पास है ये दो कार्ड्स। ओके, सी, ये कार्ड क्या बता रहा है कि आपके आप आध्यात्मिक लेवल पर जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा। जैसे आप कुछ मेडिटेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कुछ अलग वाले मेडिटेशंस में आप पार्टिसिपेट करना चाहें, कुछ अलग मेडिटेशंस करना चाहें, ये हो सकता है। दूसरा, आध्यात्मिक लेवल पर आप जो भी कर रहे हैं, शायद सब कुछ कर रहे हैं उससे कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतर आपको मिल सकता है कि जो आप फॉलो करना शुरू करना चाहेंगे। ओके, ये जो कार्ड है ये बताता है कि मंत्र, कोई ऐसा मंत्र है कि जिसको आपको अपना पावर मंत्र बना लेना है। अब जैसे यू नो कोई मंत्र है कि जो मन ही मन आपके अभी अभी आपके मन में आ गया, या कोई मंत्र है कि जो यू नो जनरली आप बोलना पसंद करते हो, सो दैट मंत्र यू नो आप आई वुड सजेस्ट कि आप उस मंत्र को सीक्रेट रखो, उस मंत्र को कभी भी मुंह से मत बोलो और माइंड में उसका चैंटिंग शुरू करो। सी, ये तरीका पुराणों में बताया गया है कि आप जितना मंत्र को अपने मन ही मन चैंट करते हैं, मन में जितना उसका जाप करते हैं, उतना उस मंत्र की शक्ति बढ़ते जाएगी। ओके, कुछ लोग होते हैं मुंह से बोलते हैं यू नो जोर से, ऐसे यू नो मंत्र का पावर नहीं बढ़ता है। ओके, मुंह से बोलने से आप उसका पावर मतलब आपके अंदर से निकाल देते हैं, तो इसीलिए उस मंत्र को जोर से नहीं बोलना है। लेट्स से अब यू नो
या यू नो वैसे तो संस्कृत के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हर एक रिलीजन में आप देखो सी बाइबल के भी कुछ वर्सेस ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको मंत्र की तरह आप चैंट करो, मंत्र की तरह रिपीट करो, तो यू नो इट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो बहुत ही पावरफुल उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। कुरान में भी सेम चीज है, कोई भी धर्म का ग्रंथ आप ले लो, उसमें से यू नो कोई भी आप एक श्लोक को आप पकड़ लो और उसको आप मंत्र की तरह चैंट करो, लेकिन यस द वन थिंग इज किसी के साथ वो शेयर नहीं करना है। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया कि आपके लिए वो पावर मंत्र क्या होगा, ओके उसके बाद यू नो उसको चैंटिंग करो, जितना ज्यादा चैंटिंग करोगे उतना उस मंत्र का पावर बढ़ते जाएगा। ओके चलिए लेट्स सी यहाँ पर ये दो कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले आपके अंदर काफी ज्यादा जो नेगेटिव इमोशंस जो आपने भर के रखे हैं, सालों से जो भर कर रखे हैं, वो सारे इमोशंस आपको रिलीज करने का मौका मिलेगा, पहली बात है। दूसरा यू नो आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स मिल सकती है कि जिससे आप अपने इमोशंस को रिलीज कर पाओ। एक टेक्निक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यू नो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। मेरी चैनल के ऊपर आपको कहीं ना कहीं उसका वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। इमोशंस इतने अच्छी तरह से आपके भीतर के नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने में आपकी मदद करेगी। ओके तो यस वो एक है, जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद विशुद्धि चक्र के ऊपर आपका प्रभुत्व बढ़ जाएगा। ओके प्रभुत्व बढ़ जाएगा मतलब विशुद्धि चक्र का पावर बढ़ जाएगा, आपका स्पीकिंग पावर, आप जो बोलेंगे सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। यस ये बोलने से यू नो काफी ज्यादा लोग खुश हो जाएंगे कि कोई ऐसा पावर मिलने वाला है, बट यस ये पावर आपको जरूर मिलने वाला है। देयर आर चांसेस कि कुछ समय लग सकता है लेकिन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ओके और ये वाला जो कार्ड है सी आपकी लाइफ में आप यू नो ज्यादातर जो समय है आप सिर्फ अपनी इमोशनल और फिजिकल मटीरियलिस्टिक भौतिक और यू नो आप भावनात्मक सिर्फ यही दो लेवल पर आप अब तक अपनी लाइफ जिए हैं। मतलब किसी के भावनाओं में आकर आपने कुछ कह दिया, भौतिक लेवल के यू नो कुछ आपके लाइफ में कुछ क्राइसिस है या क्राइसिस नहीं है जिसकी वजह से आपने कुछ अलग तरह के इमोशंस आपने अनुभव किए, ये वो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब आपका समय आ गया है कि आप उससे ऊपर उठे। ओके सिर्फ इमोशंस और भौतिक दुनिया से भी बहुत ज्यादा है इस दुनिया में अनुभव करने के लिए, स्पेशली आध्यात्मिक दुनिया में है अनुभव करने के लिए। ये जो कार्ड है इसको देखो, ये बंदा जो है कॉइन पकड़कर सिक्का पकड़कर बैठा है। तो सी इतना ज्यादा आपकी लाइफ में आपको अनुभव करना है, इतना ज्यादा आपके आध्यात्मिक मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है। देर आर चांसेस सी कभी कभी कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा ट्रॉमा उनको हैंडल करना पड़ता है कि फिर उनको यू नो पैसे कमाने का उतना टाइम नहीं होता है, उनको कुछ और लाइफ में कुछ और जो वो कर रहे थे उसको करने का ज्यादा टाइम नहीं है। और इसीलिए अगर आपको आप आध्यात्मिक मार्ग पर है और ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, जस्ट बी वेरी केयरफुल, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने हैं। यस पैसे आपके पास जितने भी हैं बिल्कुल सावधानी से यूज करने हैं, अच्छी तरह से यूज करने हैं। ओके पैसे बिगाड़ने नहीं है, बिकॉज यू नो आप जब भी आध्यात्मिक मार्ग पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तब इतना ज्यादा आप रिलीज कर रहे हैं। यू नो ये सब कार्ड्स के ऊपर से बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है। जब तक वो सारे ब्लॉकेजेस निकलेंगे नहीं तब तक आपके ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे। और इसीलिए जब तक इस सब के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पैसे संभल कर यूज करना है, पैसे केयरफुली यूज करना है। ये जो कार्ड है ये आपको क्लियरली बता रहा है, माई गॉड दिस इज सच एन अमेजिंग कार्ड, आपको बता रहा है कि यू नो कि आपका इट इज टेलिंग यू कि आपका जो क्राउन चक्र है यू नो आपका जो सहस्रार चक्र है वो एक्टिवेट होने वाला है। ओके इट इज गोइंग टू बी ओपन्ड, यस आई डोंट नो कितने समय में ओपन होगा, लेकिन यस आपकी आध्यात्मिक जर्नी में नेक्स्ट जो है आपका क्राउन चक्र ओपन होने जा रहा है। ठीक है तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आई होप कि यू नो आप ये वीडियो से खुश है, बिकॉज यस काफी सारी बातें मैंने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बातें मैंने आपको बताई है। यस कुछ यहाँ पर जो कुछ टेस्टिंग टाइम वाला है वो भी मैंने आपको बताया है।
तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो की कौन कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए। ऐसा वीडियो स्पेशली आध्यात्मिक लेवल का जो वीडियो होता है, जब आप लोगों के साथ बांटते हैं तो आप यूनिवर्स आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देता है। ओके, तो यस, सभी लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये कैल्साइट का टावर अगर आपने चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, कौन से आध्यात्मिक अनुभव आपके जीवन में आपके साथ होने वाले हैं अगले कुछ ही दिनों में, अगले कुछ ही महीनों में, हफ्तों में, कौन से एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से बदलाव आएंगे। सी एज इट इज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सारे हम बातें देखने वाले हैं ये एक जनरल लेवल पर है। ओके, तो अगर आपको इससे भी ज्यादा पर्सनलाइज चाहिए, जैसे आपके जीवन में आपके लिए क्या होने वाला है, तो आप मेरे साथ डेफिनेटली फोन कॉल के ऊपर टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। नीचे आपके लिए वो लिंक दी गई है कि जहां पर आप मेरे से टैरो करवा सकते हैं। ओके, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी से रीडिंग बुक हो जाएगा और आप मेरे साथ टैरो करवा सकते हैं। ठीक है, सो यस, चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला कार्ड बताता है कि आपका जो कंडीशनिंग है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि बचपन में जिस तरह के माहौल में आप बड़े हुए हैं, वहां पर आप बहुत बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड मेंटालिटी, मतलब आप काफी ज्यादा नैरो माइंडेड एटमोस्फियर में आप बड़े हुए हैं। ये नहीं करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको लड़की है आपको ऐसा नहीं कर सकता, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, आप लड़की है आपको ये आप ऐसा तो आप रो तो सकते ही नहीं है, तो ऐसा काफी ज्यादा कंडीशनिंग आपके साथ हुआ है कि जो गलत है। ओके, ऐसा यस बिल्कुल सिकुड़ी हुई मेंटालिटी हम बता सकते हैं। सी, अब आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, ना मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको ऐसा जज भी नहीं कर रही हूँ कि आपका ऐसा अपब्रिंगिंग है। हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है कि जो उससे बेहतर उसको मिल सकता था लेकिन उसको नहीं मिला है, बट आध्यात्मिक मार्ग पर आप है, विच एक्चुअली शोज कि आप क्लियरली अपनी ये जो मेंटालिटी है आप उसको बदलने ही वाले हैं जल्दी ही। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेल में एक ये जो पंछी है वो पिंजरे में से उड़कर जाने वाला है। अब तक आपकी जो मेंटालिटी थी पिंजरे में रखे हुए पंछी की तरह थी, लेकिन अब आप खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, कुछ उस तरह का आपको पावर मिलने वाला है, कुछ उस तरह का आपका बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में। ये जो कार्ड है सी, आपको बहुत सारे यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड में से। सबसे पहला मैसेज है कि आपकी ऐसी आदत है, ओके, दिस इज योर हैबिट कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, बहुत अलग अलग मामले में कंपेयर कर सकते हैं, आध्यात्मिक लेवल पर भी कंपेयर करते हैं। जो सालों से जो मेडिटेशन कर रहे हैं, सालों से जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, आप अपने एक्सपीरियंसेस को इनके साथ कंपेयर करते हैं, बहुत ही अलग अलग दूसरे एरियाज में भी, दूसरे सब्जेक्ट पर भी आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये पहले आपकी बात है। दूसरी बात जो यहाँ पर ये कार्ड में से आ रही है वो है कि आप अपने आप को कमजोर गिनते हैं दूसरों से। आपका जो कंपटीशन है ऐसे लोगों से नहीं है कि जो अपनी लाइफ में मास्टर बन चुके हैं। अगर आपने अपनी जर्नी अभी अभी शुरू की है तो आपकी कंपटीशन उससे है। लेट मी टेल यू, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। ओके, आध्यात्मिक मार्ग पर कोई व्यक्ति किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता है, किसी को आपको हराना नहीं होता है, आपको किसी से ज्यादा बड़ा नहीं होना होता है, किसी से अपना लेवल बढ़ाना नहीं होता है। सी, एक बात हमेशा याद रखो, आध्यात्मिक मार्ग पर सभी जो सोल्स है, सभी जो व्यक्ति है, गॉड के लिए एक बराबर है, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो कितना भी मेडिटेट करते हैं या बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते हैं, गॉड के लिए अपने सारे बच्चे एक बराबर है। तो इसीलिए अपने आप को दूसरों से ऊंचा बनाना बंद करो, दूसरा ऐसा सोचना बंद करो कि आपको अपने आप को दूसरों से बड़ा बनाना है, दूसरों से हायर लेवल पर जाना है, ये सब करना बंद करो। ओके,
ट्रांसफॉर्मेशन. सी देयर इज फुल चांस कि आपके सारे के सारे चक्र ओपन हो सकते हैं बहुत ही यस. आपको अगला अनुभव ये होने वाला है आध्यात्मिक जर्नी पर. दूसरी बात, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन. सी अब सारे के सारे चक्र आपके ओपन हो सकते हैं आध्यात्मिक लेवल पर. जो आपका गोल है, देयर आर चांसेस कि आपका गोल है कि आपको गॉड को अचीव करना है, आप गॉड को मिलना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, आप उस गोल को बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं. ओके, बहुत ही जल्दी उस गोल को अचीव करने वाले हैं. ये वाला कार्ड कहता है कि एक लेवल का बैलेंस बहुत आवश्यक है. यस, आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक बैलेंस आने जा रहा है. काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ये समय, काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है ये समय. ओके, यस, कार्मिक बैलेंस लाने के लिए जो आपके लिए आपकी लाइफ में समय आने वाला है, दैट समय, वो जो समय है वो काफी ज्यादा पेनफुल होगा. इससे आप भाग नहीं पाओगे. ओके, डोंट टेल मी कि अच्छा इसका उपाय क्या है. सी लोग मतलब हर एक चीज में उपाय ढूंढने निकल जाते हैं. अगर कुछ बुरा, अगर पिछले जन्म में किसी ने कुछ बुरा किया था तो इस जन्म में आपको उसको भुगतना है, तो भाई आपको उसके लिए कौन सा उपाय चाहिए. पिछले जन्म में जब अगर कोई व्यक्ति किसी को 5 शतक परेशान करता है, अगले जन्म में उसको भी 5 साल उसी व्यक्ति के द्वारा परेशान होना है, तो उसमें उपाय कहाँ से आएगा. जब आपने 5 साल किसी को परेशान किया था तब तो आपने कोई उपाय नहीं मांगा था कि भाई लेट मी स्टॉप टॉर्चरिंग दिस पर्सन, राइट. तो इसीलिए जब भुगतने की बारी आती है तो भी यू नो आपको यस दिलो जान से भुगतना पड़ेगा. ओके, दूसरा आपको दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं. सी ये आप जैसे मैंने कहा पेनफुल प्रोसेस है, बहुत ही पेनफुल वाली चीजें आपके साथ होंगी आपका कर्म बैलेंस करने के लिए. ओके, आपका कार्मिक ब्लॉकेजेस बैलेंस करने के लिए. लेकिन वो करके अगर वो बैलेंस हो गया, यू नो वो कार्मिक टाइम आपका चला गया, उससे आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत पड़ेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर यू नो बुल के माफक, एक बैल के माफक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज आपने ये अपने इस अपना ये जो कर्म है उसको आपने भोग लिया है. सी इंसान का जो सोल का पावर है कब बढ़ता है, जब सारे नेगेटिव कर्म से वो अपने आप को छुटकारा दिलवाता है. नेगेटिव कर्म से छुटकारा कैसे मिलेगा, जब आप उसे खर्च कर देंगे, वो कर्म को खर्च कर देंगे तब आप उसे छुटकारा पा लेंगे, तब आपके सोल का पावर बढ़ेगा. ओके, और यस, दूसरा आपको यू नो एक और पावर मिल सकता है कि जो मून में से आपको मिलेगा. हो सकता है मून में से क्या यूजली जो मिलता है वो होता है इंट्यूशन का पावर. आपका इंट्यूशन पावरफुल हो सकता है. जितनी बार आप चांद की चांदनी में आप जाते हैं उसके बाद आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है. ओके, तो यस ये पावर आपको एक मिलेगा. और यहाँ पर ये दो कार्ड्स देखते हैं. सबसे पहला है यहाँ पर इसी बहुत काफी ज्यादा मैसेजेस यहाँ से भी आ रहे हैं. सबसे पहला कि आपको ऐसी आदत है कि आप सब कुछ बोल देते हैं. ओके, आप सब कुछ बोल देते हैं, सब कुछ शेयर कर देते हैं. दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग. यू नो आध्यात्मिक मार्ग पर आपको अपनी जबान को कंट्रोल करना सीखना है. सी अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर अब तक नहीं थे तो आपकी आदत हो सकती है कि आपको हर एक बात जो मन में आती है वो यू नो आप लोगों के साथ शेयर करें, वो यू नो आप जब बस जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दें, बस जाके अपने फैमिली को बता दें, ये हो सकता है. सी आई एम नॉट टेलिंग यू कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई मेजर इश्यू है तो वो उसके बारे में आप किसी को मत बताओ, शेयर दैट थिंग. लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ इंट्यूटिव है कि जो आपको अगर पता चलता है तो आपको किसी के साथ बांटना नहीं है. जैसे अगर आपके सपने में अगर आपको कुछ ऐसा ऐसा पता लग रहा है कि जिससे वो किसी तरह के मैसेजेस है, वो किसी तरह का प्रीमोनिशन है कि जो आपको सपने में से मिल रहा है, तो आपको उसको किसी को बताना नहीं है. ओके, सो यस, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है. दूसरा है कि आप काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन एनर्जी अपनी गवा रहे हैं बोल बोलकर. तो जो आपको लाइफ में अचीव करना है, जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में बोलना बंद करो. ओके, सो दैट इज अनदर मैसेज दैट इज कमिंग. कुदरती वातावरण में आपका जाने से आपको पावर मिलेगा. यस, यू कैन सी ये पावर के बीज है. ओके, पावर एनर्जी पावर के बीज है. जितना आप कुदरती वातावरण में जाएंगे आपका जो स्पिरिचुअल शक्ति है वो बढ़ेगा. अब आप कहेंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है. सी
आध्यात्मिक जर्नी में यू नो आप अपने शरीर का, आपके शरीर किस चीज से बना है, पांच तत्वों से बना है। पांच तत्व कहाँ पर है? कुदरत में पांच तत्व है। जब वहां पर आप जाएंगे आपके नेचुरली पांच तत्व यू नो मैच हो जाएंगे कुदरत के पांच तत्वों के साथ, और इसीलिए वहां पर जो एनर्जी फ्लो होती है वही एनर्जी आपके भीतर भी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद यू नो उस पावर को आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप रियलाइज कर पाएंगे। आपके लिए आराम करना बहुत आवश्यक है। इतने सारे लोग मैं इनको जानती हूँ कि जो आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं आध्यात्मिक लेवल पर अपना कुछ लेवल बनाने के लिए, लेकिन आराम जितना करेंगे उतना आप और ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों को लगता है आराम क्या करना, मतलब आध्यात्मिक जगत में है, दिन भर में मतलब मेडिटेशन इतना कर रहे हैं तो सोने की क्या जरूरत है, आराम करने की क्या जरूरत है। भाई ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। ये यू नो कुछ कुदरत के नियम है जो कुदरत ने बनाए हैं, राइट। ये जो मैंने यहाँ पर कुदरत वाला कार्ड निकाला, कुदरत के कुछ नियम कुदरत ने बनाए हैं जो है कि जब थक जाते हैं तो आराम लेना आवश्यक होता है। भाई तुम ले लो आराम, ओके। ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट मत सी। आई एम लाइक यू नो मैं आपको डांट रही हूँ ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है, बट द थिंग इज यू नो कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर जितना ज्यादा समय आप चलना चाहते हैं उतना ज्यादा यू नो आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा इस दुनिया की रियालिटी में। अगर आप कभी आराम नहीं करते हैं, कभी अपने आप को कभी अपने आप को रीजनरेट करने का मौका नहीं देते, कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को हेल्थ पर अफेक्ट करेंगे, आपके ऊपर एडवर्सली अफेक्ट होगा, आपकी फैमिली देखेंगे कुछ ना कुछ करके वो आपको आपको आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर जो चलना है उसके ऊपर से आपका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देगी अगर आप ऐसा अपने साथ करते हैं तो। सो बेटर है रेस्ट करो, रीजनरेट करो, जब समय मिलता है आराम करने की इच्छा होती है तो आराम कर लो। देयर इज नथिंग बैड इन रेस्टिंग, ओके। यू नो हम व्हेन आई वाज यंग यू नो मैं जब बहुत ही छोटी थी तो हमारे घर में कुछ ऐसा बोला जाता था यू नो मतलब जब भी मतलब आराम करने के लिए जाते थे कोई भी, अरे आराम हराम है, यू नो महात्मा गांधी जी ने बताया है आराम हराम है। भाई आराम हराम है, लेकिन आप यू नो एक लॉजिकल एक बात सोचो, पूरा दिन भर 24 घंटे के आप आराम कर सकते हो? यू कैन नॉट डू, राइट। अब आराम करने की इच्छा कब होगी? जब आप डेफिनेटली थक गए होंगे। तो ज्यादा क्यों सोच रहे हो, ज्यादा क्यों अपने आप को बुरा इंसान गिनते हो अगर थोड़ा बहुत आराम करने की इच्छा होती है तो। सो बी गुड टू योरसेल्फ, थोड़ा सा आराम करने से कोई इंसान बुरा नहीं बन जाता है, ठीक है, बहुत ही मतलब बेकार नहीं बन जाता है, यू नो कामचोर नहीं बन जाता है। ये वाला कार्ड कहता है यस आपको अपने माइंड का जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसे बदलने की आवश्यकता है। सी यहाँ पर बताया गया है NLP या हिप्नोसिस, आपका सबकॉन्शियस माइंड को वापस प्रोग्राम करने की आवश्यकता है। इस कार्ड को देखिए, सी आई ऑफर अमेजिंग सेशंस, बहुत ही अमेजिंग सेशंस होते हैं हिप्नोसिस के, कि जहां पर यू नो आप अपने माइंड में से जो नेगेटिव प्रोग्राम्स है वो सारे निकाल सकते हैं और पॉजिटिव बातें अपने मन में डाल सकते हैं, डलवा सकते हैं, स्पेशली हिप्नोसिस के सेशन के दौरान। से हिप्नोसिस ऐसा है कि जहां पर आप हिप्नोटाइज होकर आपके अंदर के आपके माइंड का कंट्रोल दे रहे हैं हिप्नोटिस्ट के हाथ में कि भाई मेरे अंदर से सारी नेगेटिव बातें निकाल कर अच्छी अच्छी बातें भरो और उसको फाइनलाइज कर दो, कि मतलब वो सारी अच्छी बातें रहनी चाहिए माइंड में। सो यस, सो दिस इज एन अमेजिंग वे कि आप मतलब बहुत ही तुरंत आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं पॉजिटिविटी के, ओके। बिकॉज यस अगर आप यू नो खुद वो बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, खुद ही वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन अब जब किसी एक्सपर्ट के पास करवाते हैं तो वो रास्ता बहुत आपका मतलब यस वो जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। सी दिस कार्ड इज सेइंग आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ओके। इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो आपके लिए आपका जो कार्मिक समय जो शुरू होने वाला है इसकी वजह से यू नो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकता है, ओके। और ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको अपने फाइनेंसेस बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। वो ये है, और उसके बाद ये वाला कार्ड है, ये बताता है कि आप आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो आप मिस आउट कर रहे हैं, बहुत सा है कि जो आपको नहीं मिल रहा है। यस आई डू अग्री टू दैट, आपकी काफी ज्यादा इच्छाएं हैं कि जो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है? समवेयर और अदर उसकी वजह आप है,
क्या वजह है, आप यू नो अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको अप्रिशिएट करना है। गॉड ने जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है उसको गॉड को उसके प्रति उसकी वजह से उसके लिए आपको गॉड के प्रति शुक्रगुजार होना है जो उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया है। सी गॉड ने इतना ज्यादा हमको दिया है बिना मांगे दिया है, इसीलिए जो भी दिया है उसके लिए शुक्रगुजार आपको होना है। यू हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड, आपको गॉड को थैंक यू कहना है वो सारी चीजें जो आपको मिली है बिना मांगे, ठीक है। और यस, अगर आप सोच सकते हैं अच्छा भाई ऐसा तो क्या दिया है गॉड ने, भाई आपको गॉड ने एक मतलब संपूर्ण शरीर दिया है, अच्छी हेल्थ दी है, दो हाथ और दो पैर दिए है, दो आंखें दो कान और नाक दिया है, जो सब कुछ काम कर रहा है वर्किंग कंडीशन में रखा है वो भी गॉड ने ही आपको दिया है, राइट। वो सब कुछ वर्किंग कंडीशन में दिया है, दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर यू, बिना मांगे दिया है, राइट। आपने कभी नहीं मांगा था लेकिन वो सब कुछ मिला है, सो इसीलिए उसके प्रति शुक्रगुजार होना है। दिस कार्ड इज द फाइनल कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपको यू नो अपने जो इमोशंस है उसको उसके साथ बहुत ही अच्छे से आपको हैंडल करना है। सी कभी कभी कुछ घरों में ऐसा बच्चों को बचपन से बड़ा किया जाता है जहां पर वो अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर वो उनको उनके अंदर प्रेम वाली भावना, कुछ अच्छी वाली भावना आ रही है, दया वाली भावना आ रही है, तो वो बच्चे को मतलब बोला जाता है कि भाई आप वीक हो, ऐसे मतलब आप तो कमजोर हो जाओगे। तो भाई आपके इमोशंस से आपको भागना नहीं है, ओके। आपके जो इमोशंस गॉड ने आपको आपके भीतर दिए हैं इट इज फॉर योर गुड, तो अपने इमोशंस को अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करना है। आप जो भी इमोशंस फील करते हैं उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट करना है। दूसरा अपने दिल की सुनना है, ओके। जो दूसरा मैसेज जो यहाँ से आ रहा है वो है दिल की सुनना है। ऐसे इतने सारे लोग होते हैं कि जो दिल की नहीं सुनते हैं, आसपास के लोगों ने जो बोला वो सुन लिया, शायद टीवी के ऊपर कुछ देखा वो सुन लिया, या कोई सीरियल भी देख रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा डायलॉग आ रहा है वो देखकर कुछ डिसीजन ले लेते हैं। भाई किसी का नहीं सुनना है, आपको सिर्फ अपने दिल की सुनना है, ओके। तो यस, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करी है, मुझे जरूर जानने में मजा आएगा, ओके। बिकॉज यस, काफी मेहनत करके जब वीडियो बनता है और जब आपको वो पसंद आता है, देन इट जस्ट फील्स लाइक इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी, ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज अच्छी बात अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जी हाँ, जैसे मैंने कहा, अगर पर्सनली अपनी लाइफ में कुछ आपको पर्सनलाइज्ड कस्टम लेवल का आपको गाइडेंस चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मैं वो लिंक डाल दूंगी जहां से आप मेरे साथ टैरो का रीडिंग करवा सकते हैं बुक, ठीक है। सो या बाय बाय।